आदरणीय प्रधानमंत्री जी की काशी को उत्तर प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है वह चरितार्थ हो रहा है। और अभी 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को इनलैंड वाटरवे का एक उपहार दिया था। अब ये चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया, इन जेटीज के माध्यम से यहाँ की गतिविधियों में तेजी लाई जा सके और इनलैंड वाटरवे की सुविधा का हम बेहतर लाभ ले सकें, इस दृष्टि से आज इनका जो जेटीज का निर्माण हुआ है, उनका लोकार्पण और जिनका शिलान्यास हुआ है, वे शीघ्र बनकर के तैयार होंगे और उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे। ये जो 15 जेटीज जो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं, यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा। और यह इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने इनलैंड वाटरवे यानी जल परिवहन का पहला मार्ग वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया और ये उन्होंने अपने कर कमलों से यहाँ उद्घाटन भी किया। और इसका परिणाम क्या रहा, यहाँ से हम लोगों ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी जनपद से ODOP के जो सामान यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान यहाँ से एक्सपोर्ट हुए, यहाँ से जो बाहर भेजे गए, जिनका निर्यात हुआ, ये 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले वाराणसी से हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश से बने हुए भदोही की कालीन हो, मिर्जापुर की कालीन हो, वाराणसी के उत्पाद हो, या फिर यहाँ पर बने हुए चाहे वह चंदौली का ब्लैक राइस हो, जौनपुर के बुलेन कारपेट, गाजीपुर का जूट वाल हैंगिंग, मऊ के पावर लूम और टेक्सटाइल, मिर्जापुर के ब्रास प्रोडक्ट, प्रयागराज के मूंज प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट, ऐसे ही तमाम वाराणसी की सिल्क साड़ियां, इन सबको यहां से हमें शिप पोर्ट तक भेजने में यहां से इसके माध्यम से मदद मिली। ये इनलैंड वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने से जो वाराणसी का महत्व है और वाराणसी के माध्यम से जो आसपास के क्षेत्र हैं, विंध्यवासिनी धाम है, प्रयागराज है, अयोध्या है, सारनाथ है, कुशीनगर है, और इको टूरिज्म के जो साइट हमारे पास चंदौली और सोनभद्र में मौजूद हैं, इन सब तक पर्यटकों के और श्रद्धालुओं के आने के लिए एक सुगम यातायात का मार्ग भी हमें इस जल परिवहन के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने भी यहाँ पर पर्यटन की सुविधा को बढ़ाने के लिए भागीरथी क्रूज व अलकनंदा क्रूज की ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई है, जिसमें लगभग 80 से 90 यात्री प्रति क्रूज उसमें बैठ सकते हैं, उसके माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकता है।